Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai, and guys we'll discuss the chapter 9 summary and analysis. Before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the summary and analysis of the previous chapters. So अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ए ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. सो गाइज इन दिस सीन, यहाँ पर ये सीन नहीं चैप्टर आना था. सो इन दिस सीन देवेन गोज टू दिल्ली एंड मीट्स मुराद एट अ हाउस अरेंज्ड बाय नूर्स फर्स्ट वाइफ. सो गाइज प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि जो देवेन है वो पेमेंट्स अरेंज करता है, और इस चैप्टर में देवेन उस पेमेंट्स को लेकर जाता है दिल्ली, और वहाँ पर वो उस रूम में जाता है जो नूर की फर्स्ट वाइफ ने अरेंज किया है इंटरव्यू के लिए. सो उस रूम में देवेन मिलता है मुराद से. देन गाइज मुराद कॉन्ग्रेचुलेट्स देवेन, एंड देन देवेन टेल्स हिम अबाउट दैट ही हैज़ अरेंज्ड द पेमेंट आस्क्ड बाय नूर्स वाइफ. सो गाइज उसके बाद जो मुराद है वो देवेन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि फाइनली इंटरव्यू के लिए सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं. सो उसके बाद देवेन बताता है कि उनको ये सारे अरेंजमेंट्स करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कितनी ज़्यादा परेशानी हुई है, और तो और जो नूर की फर्स्ट वाइफ है उसने पेमेंट भी मांगी है बदले में कि तभी नूर साहब इंटरव्यू देंगे. एंड गाइज देवेन टेलर्स दैट रूम इज़ नॉट इन गुड कंडीशन, एंड देवेन आस्क चीकू टू सेट अप द इक्विपमेंट्स एंड टॉक्स टू मुराद. गाइज देखो जो देवेन है वो हमें बताता है कि नूर की वाइफ ने जो ये रूम अरेंज किया है ये रूम बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, और देवेन चीकू को बोलता है कि तुम सारे इक्विपमेंट अच्छे से सेट कर लो, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि नूर साहब आए और उसके बाद हम टाइम वेस्ट करें इक्विपमेंट सेट करने में. उनके आने से पहले ही तुम सारे इक्विपमेंट सेट कर लो. और उसके बाद जो देवेन है वो मुराद से बात करता है कि मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको, ये इंटरव्यू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन हुआ है उसके साथ. एंड गाइज देन नूर कम्स एंड कॉन्स्टेंटली डिमांड्स फॉर फूड एंड ड्रिंक्स एंड टॉक्स अबाउट हिज यूथ. सो गाइज उसके बाद जो नूर है वो आ जाता है, और नूर कॉन्स्टेंटली वहाँ आने के बाद कभी खाना मांगता है, कभी ड्रिंक्स की डिमांड करता है, और वो फिर अपने जवानी के दिनों के बारे में बताता है. मतलब वो एक तरीके से टाइम वेस्ट करवाता है यहाँ देवेन का. सो गाइज नूर साहब यहाँ पर बार बार फूड मांगते हैं, तो देवेन के पास जब तक पैसे थे उसने दे दिया. उसके बाद जो देवेन है वो मुराद को बुलाता है पास वाली केमिस्ट शॉप से, और वो मुराद को बोलता है पैसे देने के लिए. एंड देवेन आस्क मुराद फॉर सम मनी एंड ही गिव्स एट अ कंडीशन दैट द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज रिम्यूनरेशन. सो गाइज जब मुराद से देवेन पैसे मांगता है तो मुराद ये पैसे एक शर्त पे देता है कि वो इन पैसों को उन पैसों में से काट लेगा जो उसको आर्टिकल लिखने के बदले मिल रहे हैं. मतलब इंटरव्यू लेने के बदले जो पैसे देवेन को मिलने हैं उनमें से मुराद ये पैसे काट लेगा. एंड गाइज यहाँ पर हमें पता लग रहा है दोबारा से कि मुराद कितना ज़्यादा कनिंग है. एंड देन चीकू इज़ लैक ऑफ स्किल इन हैंडलिंग द टेप रिकॉर्डर नियरली सैबोटेजेस सेवन्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट. सो गाइज देखो जो चीकू है उसे ये टेप रिकॉर्डर हैंडल करना बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं आता है, और वो मतलब इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को देवेन के ख़राब कर रहा है. मतलब वो काम की चीज़ें तो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा है. एंड गाइज देन देवेन आस्क्स नूर टू टॉक अबाउट पोइट्री बट फील्स अशेम्ड. सो गाइज देवेन उसके बाद नूर साहब को बोलता है कि आप कुछ पोइट्री बताओ ताकि हम उनको रिकॉर्ड कर सके. उसके बाद जो नूर है उल्टा देवेन को ही कुछ बोलने लग जाता है, एंड देवेन फील्स अशेम्ड. एंड देन नूर कोट्स ग्रेट पोइट्स लाइक शेली, बायरन, जॉन कीट्स. वैन नूर रिसाइट्स जॉन कीट्स पोएम चीकू फॉरगेट टू रन द टेप. गाइज देखो उसके बाद जो नूर साहब है वो थोड़ा मूड में आ जाते हैं, और वो कुछ ग्रेट पोइट्स के कोट्स उठाते हैं और उन कोट्स को अपने वर्जन में बताते हैं. सो जब नूर साहब ये बताते हैं ना उस टाइम पर चीकू भूल जाता है टेप रिकॉर्डर को ऑन करना. मतलब यहाँ पर नूर साहब ने कुछ काम की चीज़ें बोली हैं और चीकू वही रिकॉर्ड करना भूल गया. और चीकू ने क्या रिकॉर्ड कर रखा था अब तक कि नूर साहब कभी खाना मांग रहे हैं, कभी पानी मांग रहे हैं, कभी उल्टा बोल रहे हैं. मतलब इस तरीके की जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी थी वो चीज़ें तो चीकू ने रिकॉर्ड कर ली, और यहाँ पर ये चीज़ें जो उसे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी कि जब वो कुछ ग्रेट पॉइंट्स के कोट्स उठाते हैं और अपने वर्जन में बताते हैं ये रिकॉर्ड करना चीकू यहाँ पर भूल जाता है. सो गाइज नूर गोज़ इन द इवनिंग एंड अ मैन कम्स एंड आस्क देवेन इफ़ पोइट कम्स देयर फॉर रिकॉर्डिंग और हंटिंग फॉर द थर्ड वाइफ. तो गाइज उसके बाद जो नूर साहब है वो वहाँ से चले जाते हैं इवनिंग में, और उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो देवेन को क्या बोलता है कि पोइट यहाँ पर किस लिए आता है, रिकॉर्डिंग के लिए या फिर अपनी तीसरी वाइफ ढूंढने के लिए, बिकॉज जो उनकी दूसरी वाइफ है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है इम्तियाज़ बेगम वो उन्हें यहीं पर मिली थी. सो यहाँ पर नूर साहब रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं या अपनी तीसरी वाइफ ढूंढने आ रहे हैं. तो गाइज देवेन को इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्म सी महसूस होती है. एंड जब देवेन जो है चेक करता है रिकॉर्डिंग्स को तो देवेन शाउट्स एट चीकू फॉर रिकॉर्डिंग अनरिक्वायर्ड वॉइसेस. सो गाइज जब ये चेक करते हैं ना वॉइसेस को कि मतलब हाँ रिकॉर्डिंग ठीक से हुई है या नहीं, तो उसके बाद देवेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. देवेन चीकू पर चिल्लाता है कि तुमने सारी अनरिक्वायर्ड वॉइसेस रिकॉर्ड कर रखी है लाइक रिलेटेड टू फूड्स एंड ड्रिंक्स, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी जो कि नूर साहब ने कभी कभी ही बोली है वो तुमने रिकॉर्ड ही नहीं की.
सो चीकू यहाँ पर उल्टा देवेन को बोलता है कि मैं तो तभी ऑन करूंगा ना टेप रिकॉर्डर जब तुम बोलोगे, जब तुमने बोला बंद कर दो मैंने बंद कर दिया, जब तुमने बोला ऑन कर लो मैं ऑन कर लिया। एंड देन चीकू गिव्स अ नोटिस दैट हिज सिस्टर्स मैरिज इज नेक्स्ट वीक एंड ही मस्ट गो एंड आस्क अबाउट मनी। और उसके बाद चीकू बोलता है एक नोटिस देकर कि उसकी बहन की शादी है अगले हफ्ते और इसलिए उसे जाना होगा और उसे कुछ पैसे चाहिए तो पैसे दे दो। सो देवेन बोलता है पैसे, देवेन के पास दोबारा से पैसे मांगने वाला कोई आ गया, तो देवेन इस चीज़ से परेशान हो चुका है। एंड देन देवेन कॉल्स मुराद एंड इज़ अलार्म्ड एट द कन्फर्मेशन ऑफ चीकूज चार्ज। देवेन बुलाता है मुराद को दोबारा से केमिस्ट्री शॉप से और बोलता है कि चीकू को किस चीज़ के पैसे देने, जो हमने टेक रिकॉर्डर खरीदा था उसी टाइम तो जैन साहब ने बोला था कि हाँ वो अपने इस नेफ्यू को हमें दे रहे हैं ताकि वो अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके टेप रिकॉर्डर को। उस टाइम पर कोई स्पेसिफिक अमाउंट की बात ही नहीं हुई थी या चीकू को कोई अलग से पैसा देना है इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मुराद उसके बाद बोलता है कि हाँ इसको पैसे देने हैं। तो इस चीज़ से जो देवेन है मतलब वो शॉक्ड हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। एंड देन मुराद सेज दैट ही एंड हिज फ्रेंड्स आर लूजिंग मनी, देवेन सेज ही इज़ ऑल्सो लूजिंग। और मुराद उसके बाद क्या बोलता है कि देवेन तुम फटाफट से इस इंटरव्यू को ख़त्म करो, इस इंटरव्यू की वजह से मेरे और मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं उनके पैसे ख़राब जा रहे हैं, हम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तुम इस इंटरव्यू को जल्दी से ख़त्म करो। तो देवेन क्या बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे ही नहीं यहाँ पर मेरे भी पैसे वेस्ट हो रहे हैं और गाइस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो देवेन के ही वेस्ट हो रहे हैं। बट देवेन डज नॉट वॉन्ट टू अबैंडन दिस प्रोजेक्ट, ही फाइंड्स अ स्टेशनरी शॉप एंड बॉयज सम कॉपी बुक्स। सो गाइस देखो चीकू तो चला जाता है, सो देवेन सोचता है कि अब वो इंटरव्यू को कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो देवेन इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता है, ना ही वो ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाहता है, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट कंसर्न्स नूर। और इसीलिए जब देवेन जाता है तो उसे रास्ते में एक स्टेशनरी शॉप मिलती है और वो स्टेशनरी शॉप से कुछ कॉपी बुक्स खरीद लेता है और वो सोचता है कि अब वो इन सभी चीज़ को नोट डाउन कर लेगा, जॉट डाउन कर लेगा एंड देन जो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी उसको वो आर्टिकल में छाप देंगे। सो गाइज करंटली नरेटर इज़ लिविंग विद हिज फ्रेंड राज। तो गाइज देखो अभी जो ये नरेटर है जो देवेन है ये रह रहा है अपने फ्रेंड राज के साथ जो कि दिल्ली में ही रहता है। राज जो है देवेन का स्कूल फ्रेंड है जो मुराद और देवेन के साथ पढ़ा है। और जो राज के पेरेंट्स हैं मतलब जो राज की फैमिली है उसकी मम्मी है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब उसको अच्छे से खाना सर्व कर रही है, ना ही उसे कोई रेंट देना पड़ रहा है। कि मतलब देवेन यहाँ पर दिल्ली में इन्हीं की वजह से राज की फैमिली की वजह से ही ढंग से रह पा रहा है, बिकॉज अगर वो किसी और जगह पर रहता तो उसे रेंट भी देना पड़ता, अपने खाने का खर्चा भी करना पड़ता। सो राज की वजह से उसका ये सब खर्चा बच रहा है। एंड नेक्स्ट डे नूर इज़ नॉट इंटरेस्टेड एज ही डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। और गाइस जब अगले दिन नूर आता है तो नूर बिल्कुल भी इस इंटरव्यू में इंटरेस्टेड नहीं होता है बिकॉज वो रात को ठीक से नहीं सो पाया था। एंड देन चीकू इज़ बैक टू वर्क और चीकू भी काम पर वापस आ जाता है। सो गाइस नूर रिसाइट्स एंड देवेन ओपन्स हिज कॉपी। सो गाइस जैसे ही नूर साहब रिसाइट करते हैं देवेन अपनी कॉपी खोल लेता है लिखने के लिए, बट नूर स्नैचेस द कॉपी बुक एंड स्टार्ट राइटिंग। नूर उसके हाथ से वो कॉपी छीन लेता है और ख़ुद लिखना स्टार्ट कर देता है। एंड व्हेन नूर इज़ टायर्ड ऑफ राइटिंग थ्रोज अवे दी कॉपी। सो गाइज नूर इतने लिखता है बट जब वो थक जाता है उसका मन भर जाता है तो वो उस कॉपी को दूर फेंक देता है। एंड देन नूर डिमांड्स फॉर ड्रिंक्स एंड सेज दैट हिज डेज ऑफ राइटिंग आर ओवर। सो गाइज उसके बाद जो नूर है वो दोबारा से फूड और ड्रिंक की डिमांड करता है और क्या कहता है उसके राइटिंग के दिन ओवर हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो कोई पोएट्री कोई राइटिंग नहीं करेगा, कुछ भी रिसाइट वो नहीं करेगा। एंड नूर राइजेज विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट बॉय एंड लीव्स। और नूर ये कहकर अपने सर्वेंट बॉय के साथ खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एंड गाइज देवेन अर्जेस हिम टू रिज्यूम एंड सेज ही विल सेंड फॉर फूड एंड ड्रिंक्स, नूर सेज ही विल नॉट रिज्यूम। सो गाइज देखो देवेन ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत कुछ खर्च किया है, बहुत कुछ उसने दांव पर लगा रखा है, इसलिए देवेन नूर साहब को फोर्स करता है कि प्लीज़ आप ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा कर लो, इसको रिज्यूम कर लो, इसको ऐसे बीच में मत छोड़ो, मैं आपके लिए खाना और जो भी ड्रिंक्स है वो मंगाने के लिए भेज देता हूँ लड़के को। बट जो नूर है वो कहता है दैट ही विल नॉट रिज्यूम, वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करेगा। नाउ ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड पोइट्री बिकॉज हिज टाइम इज़ ओवर, हिज टाइम ऑफ राइटिंग इज़ ओवर। एंड गाइज नेक्स्ट डे देवेन रिटर्न्स टू द रूम एंड फाइंड्स इट एम्प्टी, चीकू एंटर्स। सो गाइज अगले दिन देवेन जाता है रूम में, सोचता है कि शायद नूर साहब आ गए होंगे, शाम को उनका मूड ख़राब हो गया होगा इसलिए ऐसे कह के चले गए होंगे, शायद आ गए होंगे। लेकिन जब वो जाकर देखता है उस रूम में तो पाता है कि रूम बिल्कुल खाली है। और उसके बाद चीकू आता है एंड देन अ वुमन अपीयर्स एंड शाउट्स एट दैम टू लीव द रूम एंड सेज दैट द बिल वाज सेंट टू शाफिया बेगम। सो गाइज देखो चीकू आता है, चीकू बोलता है देवेन को कि तुमने मेरा बेफालतू में टाइम वेस्ट करा दिया ये वो। और इतने में ही एक वुमेन आती है, मतलब ये जो वुमेन है ये इस कमरे की मालकिन है, मतलब जो कमरा इन्होंने रेंट पर ले रखा है ना, नूर की फर्स्ट वाइफ ने जो कमरा रेंट पर दिलवाया था उस कमरे की ये मकान मालिक है। और ये आकर चिल्लाती है देवेन पर और कहती है कि तुम फटाफट से मेरा कमरा खाली कर दो और जो भी बिल है वो शाफिया बेगम के पास भेज दिया है, बिल तुम पूरा भर देना। एंड गाइज देन देवेन हेल्प्स चीकू
इन लोडिंग द इक्विपमेंट्स इन अ रिक्शा टू लीव। सो गाइज उसके बाद पता लग गया है देवेन को कि अब नूर साहब बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। सो गाइज उसके बाद जो ये देवेन है ये सारा इक्विपमेंट्स जो भी टेप रिकॉर्डर्स वगैरह थे उन्हें एक रिक्शा में लोड करवा देता है और चीकू को भेज देता है वहाँ से। एंड देन देवेन कॉल्स मुराद हु आस्क हिम टू टेक द टेप्स टू मीरपुर एंड ब्रिंग देम बैक आफ्टर एडिटिंग। सो गाइज उसके बाद जो ये देवेन है ये मुराद को बुलाता है और बताता है कि ये सब हो रहा है, नूर साहब तो इंटरव्यू ठीक से दे ही नहीं रहे, मतलब सारा सिनेरियो उसको एक्सप्लेन करता है। तो उसके बाद मुराद बोलता है देवेन को कि तुम ये सारी टेप्स ले जाओ मीरपुर और इन्हें एडिटिंग करने के बाद वापस ले आना, मतलब तुम इन सभी टेप्स को एडिट कर लेना और उसके बाद यहाँ पर मुझे दे देना। सो गाइज देवेन आस्क मुराद टू लिसन टू द टेप एज वंस। सो गाइज देवेन क्या बोलता है मुराद को कि ठीक है लेकिन उससे पहले तुम इन टेप्स को एक बार सुन तो लो ताकि कोई भी मिस्टेक हो या जो खराबी हो उसे हम डिडक्ट कर सकें, उसे पहचान सकें। और गाइज उन्हें तो इसको अच्छे से ऑपरेट करना आता नहीं है इसीलिए वो वहाँ से जाते हैं जैन शॉप की शॉप पर। एंड वेन दे प्ले द टेप्स एट जैन शॉप दे फाइंड दैट द टेप इज़ अ टोटल फियास्को। सो गाइज जब ये मिस्टर जैन की शॉप पर इन सब टेप्स को प्ले करके देखते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये टेप रिकॉर्डिंग तो टोटल फियास्को, मतलब बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल ही चौपट काम है ये, कि इसमें कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। कहीं पर कुछ खाने की बातें आ रखी हैं, कहीं पर ऐसे ही आपस में बात करने वाली बातें आ रखी हैं, कहीं वो पानी मांग रहा है, कहीं वो ड्रिंक की डिमांड कर रहा है, ये सब चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी हैं। एंड देन जो मुराद है, मुराद आस्क द टेप टू बी स्टॉप्ड एंड शाउट्स एट देवेन। मुराद गुस्सा करता है देवेन पे, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और बोलता है जैन को, मिस्टर जैन को, कि ये टेप रिकॉर्डिंग अभी की अभी बंद कर दो। और उसके बाद जो मुराद है वो देवेन को बोलता है कि तुमने क्या रिकॉर्ड कर रखा है, उस पर इस तरीके से चिल्लाता है। सो देवेन बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, चीकू को जब ये इक्विपमेंट हैंडल ही करना नहीं आता है और मिस्टर जैन ने हमें इक्विपमेंट ही खराब दिया है। और उसके बाद दे लैशेज एट मिस्टर जैन। सो देवेन और मुराद दोनों ही मिस्टर जैन पर भड़क जाते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने हमें खराब इक्विपमेंट दिया, खराब टेप रिकॉर्डर दिया है। And Devin says that he still can put together something meaningful from all of this for an article. So Devin क्या कहता है कि वो इन सब recordings में से कुछ meaningful बातें निकाल लेगा और उसको article के लिए, मतलब shortlist कर लेगा उसमें से जो भी काम की चीज़ें होंगी, और ऐसा तो वो निकाल ही लेगा कि उसमें से एक article लिख लिया जाए। बिकॉज जो मिस्टर जैन और मुराद है वो उल्टा देवेन पर भड़क जाते हैं कि देवेन ने ठीक से रिकॉर्डिंग करवानी नहीं आई, देवेन को ठीक से इंटरव्यू लेना नहीं आया, इसीलिए देवेन कहता है कि वो इसमें से काम की चीज़ें निकाल कर आर्टिकल जितना तो लिख ही देगा। एंड देन मुराद अपीयर्स टू इंजॉय देवेन्स मिजरी। सो मुराद को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा होता है कि देवेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गया है, देवेन अब अपने उर्दू डिपार्टमेंट को और कॉलेज डिपार्टमेंट्स को क्या बोलेगा। सो मुराद को बहुत खुशी होती है कि देवेन ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया है। एंड देवेन वंडर्स वट काइंड ऑफ फ्रेंड मुराद इज। सो देवेन यहाँ पर सोचता है कि मुराद किस तरीके का फ्रेंड है। बेसिकली देवेन को पता ही होना चाहिए, अब तक तो पता लग ही जाना चाहिए था कि मुराद कितना ज़्यादा कनिंग है और वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। एंड वन लास्ट टाइम देवेन टर्न्स टू मिस्टर जैन एंड सेज दैट द इक्विपमेंट वॉज ऑफ बैड क्वालिटी एंड चीकू न्यू नथिंग अबाउट इट। और जब देवेन जा रहा होता है मीरपुर के लिए तो एक बार मुड़कर देखता है मिस्टर जैन को, बोलता है कि ये सब आपकी गलती है बिकॉज जो इक्विपमेंट आपने दिया है वो बिल्कुल ही बैड क्वालिटी का था और चीकू को तो कुछ भी नहीं पता है कि इस इक्विपमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। एंड देन मिस्टर जैन आस्क हिम टू काम डाउन एंड सेज हिज अनदर नेफ्यू पिंटू विल हेल्प इन एडिटिंग द टेप्स। सो गाइस उसके बाद जो मिस्टर जैन है वो काम डाउन करने की कोशिश करते हैं देवेन को और बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है, टेंशन मत लो, काम डाउन, और जो मेरा दूसरा नेफ्यू है पिंटू वो तुम्हारी इन टेप्स को एडिट करने में हेल्प कर देगा। सो देवेन फाइंड्स दिस आइडिया लाफेबल। देवेन को ये आइडिया बहुत ज़्यादा मजाकिया लगता है कि नहीं भाई और तुम्हारे नेफ्यू नहीं चाहिए, पता लगे और गड़बड़ करवा दें। बट देन ही एंड पिंटू लिव फॉर मीरपुर। लेकिन उसके बाद जो देवेन है वो और उसके साथ मिस्टर जैन का नेफ्यू पिंटू ये दोनों चले जाते हैं मीरपुर के लिए, वहाँ पर ये इन टेप को एडिट करेंगे। सो गाइज दिस चैप्टर एंड्स हियर। जो ये चैप्टर है यहीं पर एंड हो जाता है। सो अगर आप लोगों को इन कस्टडी के इस चैप्टर 9 में कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी किसी चीज़ में आपको डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम और इधर ऑन मे फेसबुक पेज, मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन मे फेसबुक पेज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।